हम लोग अभी जा रहे हैं बलौदा बाजार के कलेक्टर ऑफिस में, जहाँ हमें छोटा मोटा काम है, तो वहीं आपको नया ब्लॉग मिलेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा कलेक्टर ऑफिस बलौदा बाजार का। तो आगे ब्लॉग में बने रहे। बलौदा बाज़ार के कलेक्टर ऑफिस में, तो देख सकते हो यहाँ पर का नज़ारा। और यहाँ पर स्टैचूज वगैरह हैं, यहाँ पर घोड़सवार, देख सकते हो यहाँ का नज़ारा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और मेरे सर्कल में ज़्यादा लाइट आ रहा है क्योंकि सनलाइट पड़ रहा है सीधा फेस पे। तो जो कुछ भी है यहाँ से है, देख सकते हो। और यहाँ पर मैं हूँ कलेक्टर ऑफिस के अंदर में, देन हम लोग कुछ पूछने के लिए जा रहे हैं। तो ये रहा यहाँ का नज़ारा। देन ये दो फ्लोर में है, ऊपर है और नीचे, तो देख सकते हैं नीचे का नज़ारा। देन सेम इसका कॉपी है ऊपर भी, तो यहाँ पर बहुत सारे कैमरा वगैरह के लगे हुए हैं। देखते रहिए ब्लॉग में कौन कौन सा रूम है, मुझे तो कन्फर्म पता नहीं, बाहर वैसे भी दिखाया हुआ है। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर दो लोग आए हैं, एक है बबलू भैया जो कि रेल इंजीनियर भी है, और एक मैं जो कि मेरा कोई आता पता नहीं। ब्लॉग में देखते रहिए क्या है कैसा है कलेक्टर ऑफिस। हर बार घूमने को नहीं मिलता, बट मैं आया हूँ तो आप लोगों को घूमने को मिल रहा है। चलते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते बढ़ते। मैं वहाँ से आ गया बाहर, और फिर से देख सकते हो बाहर में क्या है। देन अगले बार तो देख ही लिया, फिर भी दोबारा देख लो यहाँ पर का नज़ारा। प्रिंसिपल देखी मुला ना, समझ जाइए वही वो चालू होगी क्यों। देख सकते हो ये है संयुक्त जिला कार्यालय भवन, और यहाँ पर सब गाड़ी वाड़ी पार्क करके रखे हुए हैं। जो कुछ भी है यहाँ पर, मैं पहली बार आया हूँ तो इस वजह से इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। देख सकते हो यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा है। तो अब देखिए बैकग्राउंड कैमरा से, अरे यहाँ से अंदर जाया जाता है लेकिन मुझे नहीं पता था। तो अभी घूमेंगे अंदर जाके, अभी बाहर से देख लो चौके से देखने हैं। तो हमारा कलेक्टर ऑफिस बलौदा बाज़ार का कैसा है यहाँ का नज़ारा देख सकते हो। और लगभग लगभग ये एक साइड से छः से रूम का है, छः से सात रूम का, और अंदर बहुत लंबा चौड़ा जगह है। इसका पीछे भी बहुत ज़्यादा जगह है, अगर बहुत भीड़ हो तो इसके लिए जगह कम्फर्टेबल होगा। देख सकते हो अभी अंदर जाएंगे, और ये लास्ट में संयुक्त जिला कार्यालय। तो अभी चलते हैं अंदर। अंदर आके लग रहा है कि कहीं घूमने आए हैं, देन ये घूमने वाली जगह ही है एक हिसाब से लगा जाए। और यहाँ का फ्लावर देख सकते हो कितना औसम लग रहा है। चलते हैं आगे, आगे चलते हुए देखते हैं क्या क्या नज़ारा है। तो यहाँ पर एक स्टैचू बना है, उस स्टैचू का भी दर्शन आप लोगों को कराऊंगा। और ये जो घास है उसे क्या बोलते हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा होता है। इधर से पानी वाली डालते हैं, कोई मतलब नहीं हो सकते चले जाए। तो मैं दिखाना चाहता था, उधर अम्बेडकर का भी है थोड़ा सा, फिर से नज़ारा। हम लोग वहाँ से बाहर निकल आए क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी और चल गए तो। बैठे बैठे भैया, सर लोगों को पूछते नहीं।